हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको चार तरीकों से फंदे डालना सिखाऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला तरीका बहुत ही आसान है, इसमें हम दो तरह से फंदे डालेंगे। पहले देखिए, थंब में धागा इस तरह से लपेटेंगे और इस तरह से फंदे डालेंगे, इस तरह से। और इन्हीं फंदों को हम फिंगर की सहायता से भी डाल सकते हैं। देखिए बहुत ही आसान है, बस क्या करना है हमें, फिंगर पे जिस तरह से हमने थंब पे धागा लपेटा था उसी तरह से फिंगर में धागा लपेटेंगे और इस तरह से फंदे डालेंगे। देखिए बहुत ही आसान है, इस तरह से फिंगर पे धागा लपेटा और इस तरह से नीडल पर फंदे डालने शुरू किए। तो ये हमारा पहला तरीका था फंदे डालने का। देखिए इस तरह से थंब से डाले थे हमने, और दूसरे तरीके से देखिए फिंगर की सहायता से, देखिए इस तरह से डाले थे। तो ये हमारा पहला तरीका हो गया। देखिए इस तरह से ये हमारे फंदे डल गए हैं। तो देखिए बहुत ही आसान है इसे डालना। फंदे डालने का दूसरा तरीका देखिए, मैंने तीन बार धागे को फोल्ड कर दिया है। देखिए लंबी साइड है धागे की ये वाली, इसे नीडल पर इस तरह से रखेंगे। आप चाहे इसे एज अ स्टिच भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखिए थंब में और फिंगर में इस तरह से धागा लपेटेंगे, देखिए इस तरह से, और इस तरह से फंदे डालने शुरू कर देते हैं। देखिए पहले हमने थंब वाला धागा नीडल पर रखना है, उसके बाद फिंगर वाला धागा, और इस तरह से हमारी स्टिच बनते जा रही है। पहले थंब पर धागा रखेंगे, उसके बाद फिंगर पर, और फिर हम नीडल पर इसे इस तरह से इंसर्ट कर देंगे। देखिए पहले थंब पर और फिर फिंगर पर, पहले थंब वाला धागा नीडल पर रखा, फिर फिंगर वाला, और फिर इसे इस तरह से हम डालना शुरू कर देते हैं। बहुत ही ईजी है। पहले थंब वाला धागा नीडल पर रखा, उसके बाद फिंगर वाला धागा नीडल पर रखा और इसे थोड़ा खींच लेंगे। इसी तरह से आपको जितने फंदे चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप फंदे डाल सकते हैं। बहुत ही इजी वे है। देखिए थंब और फिंगर की सहायता से बहुत ही इजी वे से इस तरह से हमने फंदे डाल दिए हैं। अब चलिए फंदे डालने के तीसरे तरीके की तरफ चलते हैं। धागे को मैंने तीन बार फोल्ड कर लिया है, उसके बाद देखिए इस तरह से एक नॉट लगा देंगे। नॉट लगाने के बाद एक नीडल लेंगे और इस नॉट में इस तरह से इंसर्ट कर देंगे। उसके बाद दूसरी नीडल लेंगे, उसे भी इस नॉट में इंसर्ट कर देंगे। फिर धागे को थोड़ा कस लेंगे और दोनों नीडल की सहायता से देखिए इस तरह से एक और फंदा इस तरह से बना देंगे, और दो फंदे हो गए। इसे पहली वाली नीडल पर इस तरह से रखेंगे, ये हमारे पास दो फंदे हो गए हैं। अब देखिए दोबारा से नीडल इंसर्ट करेंगे और इस तरह से हम तीसरा फंदा भी बना देंगे। इसे पहली बारी नीडल पर रखेंगे, उसके बाद फिर से देखिए इसे इस तरह से बुनेंगे और चौथा फंदा इस तरह से हो गया है हमारा। फिर से उसे पहली बारी नीडल पर रखेंगे, दूसरी नीडल की सहायता से देखिए फिर से इसे इस तरह से बुनेंगे, और ये हमारा नेक्स्ट फंदा हो गया है। फिर से इसे पहली बारी नीडल पर रखेंगे, फिर दूसरी नीडल की सहायता से देखिए इसे इस तरह से बुन लेंगे, और ये हमारा नेक्स्ट फंदा हो गया है। थोड़ा से जब हम दूसरी पहली वाली नीडल पर रखेंगे थोड़ा कस लेंगे, उसके बाद हम सेकंड नीडल इंसर्ट करेंगे और फिर इससे इस तरह से बुन लेंगे। इसी तरह से हम जितने हमें फंदे चाहिए उतने फंदे इस तरह से हम डाल सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। देखिए इस तरह से बुनते हुए जाएंगे और हमारे फंदे इस तरह से बनते जाएंगे। देखिए बहुत ही सुंदर लग रही है। ये हमारा तीसरा तरीका हो गया। चौथा तरीका भी इससे थोड़ा मिलता जुलता ही है, तो चलिए चौथे तरीके की तरफ चलते हैं। अब फंदे डालने के चौथे और आखिरी मेथड की तरफ चलते हैं। धागे को मैंने डबल कर लिया है,
उसके बाद इसमें इस तरह से एक नॉड लगा देंगे। इस तरह से देखिए, इसमें नीडल इंसर्ट करने के बाद दूसरी नीडल भी इंसर्ट करेंगे, देखिए कुछ इस तरह से। अब देखिए धागे को इस तरह से इन दोनों नीडल में रखेंगे और इस तरह से इसे बुन लेंगे। अब देखिए इसे इस तरह थोड़ा सा कस लेंगे, देखिए धागे को इस तरह से नीचे से खींचते हुए लाएंगे और इन दोनों के ऊपर से इस तरह से बीच में लपेट देंगे। फिर से देखिए दोबारा से नीडल को इस तरह से इंसर्ट करेंगे और इस तरह से बुन लेंगे। और ये देखिए थर्ड जो हमारे पास स्टिचे बन गया है, उसके बाद देखिए इस तरह से धागे को लपेटेंगे और फिर से पहली वाली जो नीडल है उस पर इस तरह से रखेंगे और फिर इससे चौथा फंदा बनाएंगे। फिर धागा देखिए इस तरह से, देखिए धागे को लपेटेंगे दोनों नीडल के बीच में, तो देखिए चार फंदे बन गए हैं। उसके बाद फिर से बुनेंगे और देखिए ये हमारे पास नेक्स्ट फंदा हो गया, फिफ्थ फंदा। और फिर से देखिए धागे को इस तरह से लपेटते हुए दोनों जो हमारी नीडल है उसमें, उसके बाद दोबारा से पहली नीडल पर रखेंगे और फिर से बुनेंगे। फिर से धागा इस तरह से नीचे से खींचते हुए इस तरह से दोनों नीडल के बीच में लपेट देंगे। फिर से वापस रखेंगे पहले वाली नीडल पर, फिर से बुनेंगे, फिर से धागे को इस तरह से लपेटते हुए जाएंगे। और देखिए हमारे पास नेक्स्ट फंदा भी इस तरह से बन गया है। इसी तरह से देखिए फंदे डालेंगे। यह वाला पैटर्न मेरा बहुत ही फेवरेट है, मैं इसे ही बनाती हूँ तो ये बहुत ही सुंदर लगता है। अगर आपको मेरा आज का यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आपका समय शुभ रहे। हर हर महादेव।